I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. फ्रेंड्स, आज हम क्यूट से अमायरा के लिए क्यूट से फ्रॉग बनाएंगे. हम इस फ्रॉग को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. आप बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसको लाइनिंग से स्टार्ट करेंगे. लाइनिंग पहले हम इसको पफ देने के लिए हम पहले लाइनिंग का स्टिच करेंगे, जिसके लिए हम लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक यूज कर रहे हैं. हम कॉटन फैब्रिक में पहले सबसे पहले वाले हम अपनी लाइनिंग को डालेंगे. इससे पहले हम डायगनल फोल्ड करेंगे. ये हमने अपने लाइनिंग को डायगनल शेप में फोल्ड कर लिए हैं. अब हम इसकी फुल लेंथ 15 इंच रखेंगे. हमने मार्जिन लेकर 15 इंच लिया है और हम इसको डायगनल पूरा लगाते चले जाएंगे. अब हम इस राउंड की पूरी फुल कटिंग कर लेंगे. और अपने राउंड वेस्ट की अब कटिंग करेंगे हम. यह हमारे लाइनिंग की फुल कटिंग हो चुकी है. अब हम इसके साइड सीम कर लेंगे. पहले ये हमने अपने साइड सीम इसमें कर ली है और लोअर हेम को भी हमने फोल्ड कर लिए हैं. अब हम इसमें कैनकैन लगाएंगे. कैनकैन से हमारा पफ बनेगा, तो इसके लिए हम कैनकैन लगाएंगे. ये हमने कैनकैन की पट्टियों को कटिंग कर ली है. ये मैंने 8 इंच की चौड़ाई से कटिंग की है पूरी कैनकैन को. और अब हम अपने लाइनिंग में सबसे पहले इसको निशान लगाएंगे. सबसे पहले हम ऊपर साइड से 3 इंच छोड़ते हुए पहले राउंड में पूरा निशान लगा लेंगे. इसी तरीके से हम पीछे भी लगा लेंगे इसके. पहले कैनकैन हम यहाँ पर लगाएंगे और अब हम 6 इंच पे गैपिंग देंगे और दूसरा कैनकैन हम नीचे साइड लगाएंगे. 6 इंच पे हम एक और राउंड का निशान लगाएंगे. पहले ये हमने पूरे राउंड में अपने निशान लगा लिए हैं. अब हम अपने कैनकैन में छोटे छोटे से चुन देते हुए पूरे राउंड में कैनकैन लगाएंगे. सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं. ये हमने छोटे छोटे से चुन डालते हुए पूरे कैनकैन को लगा लिया है. इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ. अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं. सेकेंड स्टेप में हम दूसरा घेरा बनाएंगे. सेकेंड स्टेप में हम सैटिन फैब्रिक यूज करेंगे. ये हमारा सैटिन फैब्रिक है. इसको पहले हम डायगनल शेप में करके इसको भी कटिंग करेंगे. इसे हमने डायगनल फोल्ड कर लिए हैं. सबसे पहले हम इसका राउंड वेस्ट रखेंगे. राउंड वेस्ट हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम ऊपर साइड छोटे छोटे से चुन डालेंगे पफ बनाने के लिए. तो पहले हम अपने राउंड वेस्ट में निशान लगाएंगे. राउंड वेस्ट हम 12 इंच रखेंगे और इसे गोलाई पूरा दे देंगे. अब हमें इसकी फुल लेंथ रखनी है. फुल लेंथ हम 16 इंच रखेंगे. हमने 15 इंच का पहला स्टेप बनाया था, 16 इंच का हम सेकेंड स्टेप बना रहे हैं. तो इसको हम 16 इंच रखेंगे और इसे भी नीचे से हम गोलाई देते हुए चले जाएंगे. अब हम इसे कटिंग करेंगे. हम अपने निशान पूरे पूरे कट कर लेंगे. यह हमारे सेकेंड घेरे की भी पूरी कटिंग हो गई है. अब हम इसमें पहले साइड सीम कर देंगे. ये हमारा ओपन है, तो इसको हम पहले साइड सीम कर देंगे दोनों साइड से. यह हमने दोनों साइड अपने साइड सीम कर ली है. नीचे साइड हम राउंड में पूरा कैनकैन पट्टी लगाएंगे. कैनकैन पट्टी पहले हम लेंगे. इसे हम बैक साइड से रखते हुए और अपने लोअर हेम को फोल्ड करते हुए हम इसको पूरा राउंड में लगा देंगे. पहले अपने कैनकैन पट्टी को लगा लेते हैं. इसमें हमने अपने लोअर हेम में कैनकैन पट्टी लगा ली है. इस तरीके से हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया. अब हम अपने थर्ड स्टेप पर चलते हैं. थर्ड स्टेप में हम नेट पे कटिंग करेंगे. नेट में कटिंग करने के लिए इसे भी हम डायगनल साइड फोल्ड करेंगे. ये हमने अपने नेट को डायगनल शेप में फोल्ड कर लिए हैं. इसमें सबसे पहले हम इसका राउंड वेस्ट रखेंगे. हमने सेकेंड स्टेप में राउंड वेस्ट को 12 इंच रखा था, इसमें हम 13 इंच रखेंगे. 13 इंच पहले हम निशान लगा लेंगे और इसको पूरा राउंड में निशान लगाते चले जाएंगे. यह हमारा पूरा राउंड वेस्ट लग चुका है.
हमने सेकेंड स्ट्रेप में अपनी फुल लेंथ 16 इंच रखी थी, इसमें हम हाफ प्लस कर देंगे, यानी कि 16.5 इंच का हम अपना थर्ड स्ट्रेप रखेंगे। इसकी लेंथ 5 इंच पे हम पहले अपनी फुल लेंथ लेंगे और इसे भी राउंड करते हुए हम पूरा मिला देंगे। ये हमारे फुल राउंड की पूरी कटिंग हो चुकी है, हमारे थर्ड स्टेप की पूरी फुल कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें दोनों साइड सीम करेंगे। पहले हम इसे सिल लेते हैं। यह हमारे दोनों साइड सीम हो चुका है। इस तरीके से हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब अपने फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फोर्थ स्टेप में भी हम नेट की कटिंग करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने घुटने तक की लंबाई ली थी, अब हम इसको पूरे फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ लेने के लिए हम इसकी फुल लेंथ 32 इंच रखेंगे और 1 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे, तो 33 इंच की हम इसको डायगोनल शेप में कटिंग करेंगे। यह हमने अपनी पूरी नेट को डायगोनल शेप में फोल्ड कर लिए हैं। अब हम 32 इंच की फुल लेंथ रखेंगे, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे और 33 इंच पे हम इसको पूरा फुल लेंथ लगाएंगे। 33 इंच पे हम लोअर साइड से लेंगे और 33 पे हम निशान लगाएंगे। पहले हमारा पूरा राउंड वेस्ट लगेगा। हम दोनों साइड से बराबर साइड से नाप लेंगे और इसे पूरा राउंड करते हुए हम इसका राउंड वेस्ट लगा लेंगे। ये हमने पूरे अपने घेरे की कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम इसके साइड सीम करेंगे। ये हमने अपनी पूरी साइड सीम कर ली है और नीचे साइड हम 6 इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे। 6 इंच पे इसको निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने सारी पट्टियों की अपनी कटिंग कर ली है। 6 इंच की हमने इसमें चौड़ाई रखी है। अब हम सारी पट्टियों को पहले ज्वाइन करेंगे और उसमें हम चुन्नट देंगे। चुन्नट हम बड़े सिलाई करके हम देंगे, हम बड़े फंदा करके चुन्नट दे लेंगे। पहले पूरे हम अपने फ्रिल में चुन्नट दे लेते हैं। ये हमने अपने पूरी पट्टियों को ज्वाइन करके और इसमें चुन्नट हमने दे दी है। अब अपने हम रफल को नीचे साइड लगाएंगे। अब हम अपने रफल को अपने पूरे घेरे में रखते हुए इसको बराबर से लगाते चले जाएंगे राउंड में। इसे हमें बराबर से बिल्कुल रखना है और इसके पूरे घेरे में हमें राउंड राउंड लगाना है। पहले हम अपने रफल को लगा लेते हैं पूरे घेरे में। ये हमने अपने पूरे घेरे में अपने फ्रिल को लगाने के बाद इस लेस को लगा लिए हैं। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम सारे घेरे को अपने राउंड वेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। हमने अपने सारे घेरे में राउंड वेस्ट में बड़ी सिलाई कर ली है और इसको हम फंदे को खींचकर अपने राउंड वेस्ट के नाप का हम रख लेंगे। पहले हम इसे 11.5 इंच का पहले बना ले। हम एक थ्रेड को निकालेंगे और इसको खींचकर बराबर से रख लेंगे। हमारा सबसे पहला घेरा होगा, इसे हम 11.5 इंच का रख लेंगे। ये हमारा 11.5 इंच का आ गया है। हमारे सारे घेरों में हमने चुन डाल ली है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे घेरों को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्लेन कॉटन की लाइनिंग को यूज़ करेंगे। पहले हम इसे रख लेंगे बराबर से। सेकेंड स्टेप पे हमारा कैन वाला होगा। हम कैन वाले को अब साथ में रखेंगे इसके और इसके अंदर से ही हम इसे निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपने सेटिन वाले घेरे को लगाएंगे। यह हमारा प्लेन सैटिन वाला घेरा है, इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा अपना सैटिन वाला घेरा रखेंगे। अब इसके बाद हम अपने नेट वाले घेरे को रखेंगे और इसके बाद हम अपने लॉन्ग वाले नेट वाले घेरे को रखेंगे। यह हमारा पूरा राउंड एक साथ ज्वाइन हो चुका है। यह हमारा 11.5 इंच इसका राउंड वेस्ट है। इसका राउंड वेस्ट पूरा 11.5 इंच है। अब हम इसके ऊपर की कोटी की कटिंग करेंगे। अब हम अपर पैनल की कटिंग करेंगे। अपर पैनल में सबसे पहले हम फ्रंट साइड के लिए पैनल बना लेते हैं। फ्रंट साइड के पैनल हम बना लेंगे। पहले इसमें कि हम फुल लेंथ 12 इंच रखेंगे, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन लेंगे और 13 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। 13 इंच पहले हम निशान लगा लेंगे और ऑन फोल्ड साइड से हम इसका शोल्डर लेंगे।
शोल्डर हम 5 इंच लेंगे और आर्म होल हम इसका 5.5 इंच लेंगे। चेस्ट हम 6.5 इंच लेंगे। वेस्ट लेंथ हमारे 10 इंच पर है। हम 10 इंच पे एक निशान लगाने के बाद इस पे 6 लेंगे और इसे नीचे तक मिला देंगे। पहले हम इस पॉइंट को सब मिला देंगे और इसमें 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। और अपने आर्म होल पे हम गोलाई दे देंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पैनल कटिंग हो चुकी है। अब इसके हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक को हम 2 इंच इसकी विड्थ रखेंगे और 4 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। इसे राउंड में हम रख के इसको कटिंग कर लेंगे। पहले अब हम बिल्कुल इसी के साइज की इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। हम इस तरह की लाइनिंग 2 कटिंग करेंगे। एक कॉटन की लाइनिंग होगी और एक हमारा सैटिन फैब्रिक होगा। तो पहले हम इसी के साइज की हम इसकी लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। हमारे दोनों लाइनिंग है, ये हमारा कॉटन लाइनिंग है और ये हमारा सैटिन है। इसके ऊपर हम अपना सीक्वेंस फैब्रिक रखेंगे। अब हम अपने नेक के राउंड में सिलाई चलाएंगे। पहले हम अपने नेक की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमने अपने नेक को कटिंग करके बैक साइड पलट के इसको सीधा कर लिए हैं और इसके ऊपर हम अपने सैटिन की पट्टी लगाएंगे ताकि ये हमारा सीक्वेंस लगे ना। अपने डायगोनल पट्टी ले ली और इसके हम ऊपर साइड से स्टिच करेंगे। हम सीधे साइड से रखेंगे और इसके ऊपर अपने सैटिन पट्टी को रख कर इसे बैक साइड पलट देंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम अपने पट्टी को लगा लेते हैं पूरे नेक में। फ्रंट पैनल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने बैक पैनल को बनाएंगे। बैक पैनल को हम सैटिन से बनाएंगे। ये हमने अपने फ्रंट पैनल को रखते हुए अपने बैक पैनल के लाइनिंग की कटिंग कर ली। फैब्रिक के ऊपर हम लाइनिंग को रख के इसके बैक साइड के पैनल की कटिंग। बैक साइड हम डोरी लगाएंगे तो इसके लिए हमने डोरी बना ली है। अब हम सबसे पहले अपने सैटिन फैब्रिक रखेंगे। सबसे पहले हम सैटिन फैब्रिक रखेंगे और इसके ऊपर हम डोरी रखेंगे। हम नीचे साइड मेजरमेंट लेते हुए डोरी रखेंगे। इसके बाद हम अपनी हम जिप को रखेंगे। पहले जिप को हम ओपन कर लेंगे। इसे हमें कुछ इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हम इसके लाइनिंग को रखेंगे। इसके ऊपर पहले हम सिलाई चला लेते हैं। ये हमने बैक साइड अपनी पूरी जिप लगाकर अपने शोल्डर को भी ज्वाइन कर लिए हैं। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अपनी बैक साइड की नेक हमारी फिनिश हो चुका है। इसके आर्म होल की फिनिशिंग दें। आर्म होल में लगाने के लिए हमने डायगोनल पट्टी कट कर ली है। आर्म होल पर हम अपने पट्टी को डबल करते हुए इसको पूरा हम सिल लेंगे और इसको अंदर साइड हम फोल्ड कर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। पहले हम इसे कर लेते हैं। ये हमने अपने आर्म होल में पट्टी लगाकर इसको पलट कर पूरा फिनिश कर लिए हैं। इसके ऊपर हमने ये रफल लगा लिए हैं। इस तरीके से ये पूरा रफल तैयार होकर आया है। इसके बाद हम अपने बैक साइड इसको पलटेंगे और इसकी मार्जिन लेते हुए हम इसकी फिटिंग करेंगे। पहले हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। ये हमने अपने अपर पैनल में फिटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे का घेरा लगाएंगे। घेरा लगाने के लिए पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा अपर पैनल होगा। इसके नीचे हम इसके लोअर पैनल को लगाएंगे। हमारा लोअर पैनल होगा। इसको हम पूरे राउंड में लगा लेंगे। पहले हम इसके लोअर पैनल को फिट कर लेते हैं। ये हमने अपने अपर पैनल में लोअर पैनल को पूरा राउंड वेस्ट के साथ इसको ज्वाइन कर लिए हैं और बैक साइड हमने एक प्यारा सा बो लगा लिए हैं। इस तरीके से ये हमारी पूरी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। आपको ये फ्रॉक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।